ही बंद कर दिया गया हमारा आदमी कोई नुकसान नहीं करेगा हमारा आदमी कोई नुकसान नहीं किसी की कोई क्षति हो सकती है कोई मर सकता है। और वो नौजवान अपना कारोबार शुरू करना चाहता था जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। पैसों की ख्वाहिश में वो बैंक पहुंच गया ताकि उसे लोन मिल सके, लेकिन अफसोस बैंक से उसे लोन तो नहीं मिला लेकिन मौत जरूर मिल गई। जी हाँ, बैंक मैनेजर की वजह से उस नौजवान ने खुदकुशी कर ली, लेकिन उसकी जान जाया नहीं गई। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। ये हंगामा देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें बाराबंकी जिले की हैं। ये उस नौजवान की मौत के बाद लोगों का फूटा हुआ गुस्सा है जो हंगामे की शक्ल में सामने आ रहा है। अरे जिम्मेदारी आपको ले दरअसल बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ थाना इलाके के रौनी गांव में रहने वाला शैलेन वर्मा फांसी लगाकर मौत की नींद सो गया, लेकिन जेब से निकले खत ने सारा मामला शीशे की तरह साफ कर दिया। दरअसल खादी ग्रामोद्योग योजना के तहत कारोबार शुरू करना चाहता था शैलेंद्र, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी, लिहाजा वो लोन के चक्कर में बैंक पहुंच गया। शैलेंद्र ने लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन रोज रोज चक्कर लगाने के बावजूद उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इतना ही नहीं, बैंक कर्मचारी उससे गलत तरह से बात भी करते थे। जैसे तैसे शैलेंद्र काफी वक्त तक बैंक के चक्कर लगाता रहा। खत के मुताबिक बैंक मैनेजर ने उससे लोन पास करने के लिए रिश्वत मांगी थी। पैसे ना होने के साथ साथ बैंक मैनेजर की बात शैलेंद्र को इस कदर नागवार गुजरी कि उसने अपने ही बाग में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जवान बेटे की मौत ने सभी को हिला कर रख दिया। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही लाश परिजनों को सौंपी गई तो सभी ने लाश बाराबंकी सुल्तानपुर हाईवे पर रखकर रोड जाम कर दिया और हंगामा शुरू हो गया। दिनांक 21/12 को जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम रौनी के रहने वाले शैलेंद्र वर्मा, जिनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है, इन्होंने अपने बाग में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस ने चौका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम करवाया। मृतक के परिजनों द्वारा इस आशय की तहरीर दी गई है कि मृतक ने त्रिवेदीगंज के पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले रखा था, जिसके एवज में ब्रांच मैनेजर द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। इनकी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। देखते देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटने लगी तो वही हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई तो आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी बैंक मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद मामला शांत हुआ। यह खबर हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।